हम दूसरे के पूछा शादी इसकी शादी के जोड़े की एक बहुत हिस्टोरिकल कहानी है. चंदा इकट्ठा किया गया है इसकी शादी के जोड़े को खरीदने के लिए. अच्छा। इधर से भी आपके पास पैसे हैं आपके पास. ओके तो शादी का जो जोड़ा ये शादी का वो हिस्टोरिकल जोड़ा. हाँ पहले पैकेज दिखाएं तुम कैसी लग रही थी. दिखाएं भाई पहले पैकेज दिखाएं फिर कहानी शुरू होती है इसकी. पारो हाँ. अच्छा जी ये है इसका दुपट्टा खूबसूरत जोड़ा. अच्छा उस 17 साल पहले रेड कलर का मैं तो देखती थी लोग ज्यादातर लाल रंग के जोड़े शादी पे पहन रहे. नादिया तुमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट तुम लेकर आई हो. कभी भी लाल जोड़ा कभी भी पसंद नहीं था ना जब मैं शूट्स करती थी मुझे. हाँ. लाल जोड़ा पसंद था मुझे मतलब बिल्कुल लाल जोड़े से एक मैं कहती थी कि चलो यार हाँ मैं शूट के लिए पहन लूँ लेकिन मैंने ये अपने माइंड में सोच लिया था कि शादी पे मैं लाल नहीं पहनूंगी. हाँ तो मैं वैसे भी अभी रेड कलर अच्छा ही लगता मतलब नहीं बहुत ज्यादा कपड़ों में भी इतना नहीं यू नो लिपस्टिक में भी बहुत ज्यादा नहीं मतलब इतना ज्यादा रेड का मुझे नहीं है शौक. हाँ सो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मेरा जो जोड़ा होगा दैट्स गोइंग टू बी पिंक एंड ऑरेंज. ये तुमने पहले से डिसाइड किया हुआ. हाँ मतलब मैंने इस जोड़े को देखने से पहले देखने से पहले हाँ पिंक एंड ऑरेंज मेरा जोड़ा होगा. तो ये जो था. अच्छा इसकी कहानी क्या है कि ये इसका जो लहंगा है ये है पूरा यू नो पिंक में ये लहंगा इसका और इसका जो काम है वो बहुत हैवी दबके का काम है और अभी तक काला नहीं हुआ. दबका काला नहीं हुआ तो ये वो डल वाला ही दबका है क्योंकि ये जो है अब अगेन 17 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ. ये एक इंडियन डिजाइनर का आउटफिट है और जो इंडियन डिजाइनर पाकिस्तान आई हुई थी एक फैशन शो करने कुछ पकड़ लूं. सो उसका जो ये आउटफिट है वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने फिर कहा अच्छा यू नो जाहिर है उस जमाने में तो कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा तो तुमने पहन के वॉक की थी कि क्या. हाँ हाँ मैंने पहन ये पहन के वॉक की थी. ये मैंने पहन के वॉक भी की थी. ये मुझे ये नहीं याद कि मैंने पहन के वॉक की थी लेकिन मुझे ये वाला जोड़ा जो था क्योंकि जाहिर है वो लोग इंडियन डिजाइनर्स पाकिस्तान आ रहे थे तो मेरे माइंड में था कि मैं उनके आउटफिट्स चेक करूंगी. हाँ. अगर मुझे कुछ पसंद आया मैं उनसे ही ले लूंगी. अच्छा. और ये मुझे पसंद आ गया. ये अनामिका खन्ना है डिजाइनर और आज भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में. तो वो क्योंकि पाकिस्तान आई हुई थी उसके अलावा भी बहुत से डिजाइनर्स है तरुण तलियानी वॉज इन पाकिस्तान यू नो मतलब बहुत सारे बड़े डिजाइनर्स पाकिस्तान पे थे. तो ये मुझे जो है वो उसका जोड़ा जब मुझे नजर आया मैंने तो बस उसको बोला कि मुझे अभी ये आउटफिट चाहिए और उसने कहा कि ठीक है मैं तो कल सुबह जा रही हूँ क्योंकि हमारी तो फ्लाइट वापसी की है तो तुम्हें तो पैसे जाहिर है आज ही पे करने होंगे. तो उस वक्त ये भी नहीं होता था कि तुम इंडिया पहुंचे तो मैं तुम्हें वहां भिजवा दूं. उस वक्त बैंकिंग की टेक्नोलोजी इतनी नहीं कोई ऑनलाइन बैंकिंग कुछ भी नहीं था. तो हम लोगों को जो चंदा जो कलेक्ट करना था वो ये था कि जो पैसे थे उस जमाने में मैं खाली एटीएम से भी कम पैसे निकलते थे और या पता 2.5 लाख तक निकल जाते हैं लेकिन वो उस वक्त भी एक लिमिट होती थी पता नहीं 10,000 की या कितने की लिमिट थी मुझे याद नहीं है. लेकिन पैसे जो थे वो क्योंकि रात को ही जिस दिन फैशन शो मैंने किया था उसके अगले दिन वो जा रही थी तो फैशन शो के बाद मुझे ये आउटफिट की पेमेंट करनी थी और मुझे ये आउटफिट लेना था. सो मैं फिर रात को मतलब मैंने अपने मियाँ को उस वक्त जब कॉल किया कि यार ये जोड़ा मुझे मिल गया है तो ये जोड़ा मुझे चाहिए है तो उसने अपने अपने दोस्तों से अपनी माँ से अपनी मेरी मेरी दोस्तों से मेरी दोस्तों की माओ से मेरी अपनी माँ से मेरे फादर से जहाँ से भी पैसे कलेक्ट हम कर सकते थे हमने पैसे कलेक्ट किए. और फिर हमने जाके जो है वो एयरपोर्ट पे जाके उसको एक्सचेंज किया बिकॉज शी वांटेड इट इन डॉलर्स. और उसके बाद उसकी पेमेंट हमने की और फिर रात को पता नहीं 4 बजे जाके उसकी पेमेंट की जोड़ा
बिठाया और इस तरीके से मुझे मिला, मतलब कि इस जोड़े की पीछे एक बाकायदा पूरी कहानी और जद्दोजहद है। लेकिन देखो तुम्हारे मियाँ कितने भागम दौड़ी की कॉन्फर्मेशन तो चाहिए होता ना, आम आदमी तो कहता कि कोई बात नहीं दूसरा ले लेना छोड़ दो अभी सोने दो रात को, कहाँ चार बजे भगा रही हो। उनको ख्याल था कि भाई ये जो पहने जो चाहती है वो पहने वाली बात होती है। लेकिन इसकी शर्ट यही थी? नहीं, इसकी शर्ट ये नहीं थी। इसकी जो शर्ट थी वो कोई एक चोली नुमा थी, वो मुझे याद नहीं है। ये भी एक चोली है इसके साथ, ये ओरिजिनल इसकी चोली है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब मैं चोली तो मुझे इतना छोटी सी चोली तो खैर मैं शादी पे तो मैं नहीं पहन सकती थी, तो फिर मैंने इसका इसी को देखते इसको जो है वो रीडू इसका काम करवाया था। लेकिन ये भी जो है मैंने, मतलब अब ये भी तुम देखो कि ये भी काम पाकिस्तान का हुआ है और ये भी खराब नहीं हुआ है, यू नो। सो ये फिर मैंने बनवाया था। और क्या किस चीज का काम है ये? आई थिंक ये भी दबके का ही है शायद, जरी लगता है, इसको जरी कहते हैं, दबका थोड़ी कहते हैं। ये सलमा, ये सलमा है, सलमा देखा जरा, मैं कह रही सलमा दबका, सब नाम सलमा दबका दोनों लगे हुए और साथ में जो है ना वो जरी, बहुत बारीक दबका है ना, तीनों चीजें बारीक है। और इस दुपट्टे का जो पल्लू था ना पूरा, ये इसमें आधे से ज्यादा जो था वो इसका काम जो था वो मिसिंग था। मतलब कि मिसिंग क्यों? उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ था ना, मतलब जो इंडियन डिजाइनर शो के लिए, शो के लिए लेके आई थी, तो वो इस तरह का उसने किया हुआ था कि ये जो पता नहीं काम इसका कंप्लीट नहीं था, मतलब कि यहाँ तक छोड़ दिया होगा। हाँ, वो जो काम है ना, ये देखो ये देखो देखो, ये क्योंकि अंदर टक इन होना था ना, ये अंदर टक इन होना था यहाँ से, तो यहाँ पे काम ही नहीं था। और ये फिर ये बाकी काम पाकिस्तान ने करवाया। ओह माय गॉड, यस। तो ये मुझे तो खुद भी नहीं, मैं ढूंढ पा रही। अच्छा, अभी आप पकड़ ही नहीं सकते हो। आप पकड़ ही नहीं सकते हो वो उससे, क्योंकि साड़ी की तरह अंदर जाना था। उसने कहा इस पे जरूरत नहीं है, तो इसने काम नहीं किया, इससे तो पूरा ओढ़ना था शादी। लेकिन अभी पूरा कितना इक्वल लग रहा है, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं सकते। नहीं, मुझे मैं वही ढूंढने की कोशिश करूँ की कौन सा हिस्सा है जहाँ पे पाकिस्तान में काम हुआ हुआ है। आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके लिए जोड़ा ढूंढा और फिर आपने उसको कंप्लीट इतनी सफाई से किया कि पता भी नहीं चल रहा। लेकिन फिर ये मैं बताने की जो कोशिश करी वो ये कि जो इंडिया में जो काम जाहिर है, मतलब यू नो उस जमाने में भी जो है वो बहुत पॉपुलर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वो काम नहीं हो रहा है, और उस जमाने में भी होता था और आज भी हो रहा है। असल में हर जगह के ना अपने अपने स्टाइल्स होते हैं, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है और अपनी ब्यूटी अपने काम की एक वो है, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन स्टाइल अपना बिल्कुल। भाई मेरा मियां मेरे लिए साड़ियां लेकर आया, इतना गंदा कपड़ा है, जो कपड़ा हमारा है ना पाकिस्तान का वो, मतलब ये जो महंगा जोड़ा है ना तो डिजाइनर का है, तो बहुत अच्छा कपड़ा यूज हुआ है। लेकिन अगर आप आम किसी शॉप से साड़ी या कुछ ऐसा खरीदते हो तो लाइक वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता। हमारा कपड़ा बहुत ब्रीदेबल कपड़ा है, हमारे लॉन नहीं है इंडिया में भाई, लॉन और कॉटन नहीं है, हमारी बड़ी फेमस है, हमारे कपड़े एक्सपोर्ट भी होते हैं ना। हाँ ना, वी है, हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है। जब तोहफे के लिए जब जाते थे इंडिया वगैरह यहाँ से, तो गुलजार साहब के लिए लॉन के कुर्ते, खाटी के कुर्ते जाते थे इधर से, क्योंकि उनको वो चीज उधर मिलती नहीं है, उनके लिए बेस्ट गिफ्ट है इधर जो थदर होता है या यहाँ का लॉन है। कपड़ा ब्रीदेबल है हमारा, बहुत अच्छा कपड़ा।